हेलो अभवान, आज की मेरी वीडियो है एमडी कैट का जो टेस्ट 10 सितंबर को होगा पाकिस्तान के अंदर। उस टेस्ट की तमाम एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। ये 25 एमसीक्यूज हैं, ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, मोस्टली एमडी कैट के पेपर्स के अंदर देखे गए। इंशाल्लाह ये 25 क्वेश्चन आपको इस दफा भी पेपर के अंदर मिलेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी वीडियोस टेस्ट प्रिपरेशन से रिगार्डिंग आपको मिलती रहेंगी, जॉब का टेस्ट प्रिपरेशन हो या यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट हो, तो तमाम का डाटा इंशाल्लाह मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1, शी टुक रिवेंज मी। अच्छा, ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है और इसके अंदर ऑन आएगा। इसका बेस्ट आंसर ऑन है। क्यों? क्योंकि रिवेंज का मतलब होता है पे बैक, मतलब कोई ना कोई चीज जो पे की जाती है उसके अगेंस्ट ये कहा गया है, तो इसका ऑन बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू देखें डी सब शेल कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल। डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिट्स हैं? अब इसमें ऑर्बिट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिट होता है, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिट्स होते हैं, और इसी तरह डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7। तो इसका मतलब है कि ये डी का पूछ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 5। ए इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विद राइजिंग ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डैश। विस्कोसिटी बेसिकली थिकनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि गैसेस की जो थिकनेस होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है कि कम होती है? ये हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। जैसे टेम्परेचर राइज होगा ये भी इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंटम इज डैश। तो ये डिबाई इसका बेस्ट आंसर है, ये इसका यूनिट बनता है। डी सिंबल है और डाइपोल यूनिट का डिबाई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड इज इजली टू बी ब्रोकन इन डैश। इसका बेस्ट आंसर सी है, फार्मूला ऑफ बेंजाइल अल्कोइल इज, बेंजाइल अल्कोइल का फार्मूला। तो इसका बेस्ट आंसर डी है, ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7, आ कंप्लीट एनजाइम इज। कंप्लीट एनजाइम किस पे बेस्ड होता है, कब बनता है? ये इसकी डेफिनेशन इसको देख लें, कंसिस्ट ऑफ बोथ द प्रोटीन एपो एनजाइम एंड इट्स कोफैक्टर इफ रिक्वायर्ड। जॉर्ज मेंडल यूज्ड द टर्म डैश फॉर जीन्स। तो इसमें फैक्टर्स यूज किए गए थे जीन्स के लिए, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, स्टोमेटा ऑफ कैम प्लैनेट इज ओपन ड्यूरिंग। कैम प्लैनेट्स आर टिपिकली ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो इसका बेस्ट आंसर है नाइट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 देखे, शी इज टॉलर देन डैश, ही आएगा इसका बेस्ट आंसर। इधर आयशा और हर फ्रेंड डैश पेरेंट्स देयर, इसका भी बेस्ट आंसर वार आएगा यहाँ पे। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल इज डैश। इसका बेस्ट आंसर डी है, यहाँ पे जो एल ये आए नहीं है, ये एल है, यहाँ पे एल जो है ये एजीमेथल क्वांटम को शो करता है ये। क्वेश्चन नंबर 13, द इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी ऑफ फोटोसिस्टम 2P680 इज मीट बाय डैश। इसका ए बेस्ट आंसर है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ये। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हाउ मैनी फैक्टर्स एक्शन ऑन बॉडी। तो इसमें 2 फैक्टर्स एक्शन कर रहे होते हैं, नंबर 1 ग्रेविटी होती है और नंबर 2 एयर सब्सटेंस और एयर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अ चार्ज पार्टिकुलर एंटर द मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट इज डैश। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकुलर्स किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो उस पर कौन सी फोर्स काम करती है, तो उसमें 0 फोर्स हो जाती है। जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड चार्जेबल फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो वो उसकी फोर्स 0 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, मोशन इन 2 डायमेंशन एक्सीलरेशन इज y डायरेक्शन इज डैश। तो ये माइनस g होगा, क्योंकि हमेशा जब आप कोई भी x एक्सिस और y को ड्रॉ करते हैं तो जो y प्रोजेक्शन की तरफ होते हैं वो माइनस में जाते हैं और x की तरफ जो है वो पॉजिटिव की। क्वेश्चन नंबर 17, वायरस वॉज डिस्कवर बाय। इसका बेस्ट आंसर c है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज डायमेंशन लेस, क्वांटिटी एंगल टॉर्क और फोर्स। एंगल जो है ये डायमेंशन लेस होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, हीट वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज डैश। तो ये 574 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिकोटेलिक। तो ये कॉकरोच के अंदर नहीं पाई जाती। कोटेलिक बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एक्सक्रीट, मतलब बेसिकली ये खारिज होता है नाइट्रोजन वेस्ट और यूरिक एसिड से, तो एक पेस्ट की शेप में जो पानी का इखराज होता है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज ड्राई आइस। ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, क्योंकि
ड्राई आइस इज द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखे, इफ वी कट द राइट इंटू टू पीसेज देन इट्स रेजिस्टिविटी, अगर एक वायर को दो हिस्सों में काट दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वो हमेशा सेम ही रहती है उसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट गुजरने की कैपेसिटी होती है, वो दोनों के अंदर सेम ही होगी। रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी कहा जाता है। ये बेसिकली मेटरोलॉजी जो होता है ये मौसमियात को डील करता है, कॉस्मोलॉजी ऑर्गन्स को डील करते हैं, और टिपोलॉजी बेसिकली रॉन्ग वर्ड है, ये वैसे कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर बाय डैश, तो ये हेनरी बेकरल ने इजाद की थी, ये 1986 के अंदर ये डिस्कवर की गई। तो ये बेसिकली 25 MCQs थे, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ये इस पेपर के अंदर आपको मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें शेयर करें, इंशाल्लाह ऐसी कोई भी और भी मालूमात होगी वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।